Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. Bewafa zamana changa, badi mein wafaye manga, rabba mujhe tu le samal hai jag khidda phire. आजा जल्दी आजा जल्दी अगर चुड़ैल आने वाली है ख्याल वाल आजा इधर जाओ 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 हाँ अंदरों गोल तकिया भी लैके आ सामने चुड़ैल में बिठावांगी इतने बह के सारा कुछ वेखेगी हाँ ओ फोटे इधर जी आंटी हाँ अरे तुम किन्नी वाली क्या मैं आंटी ना क्या कर मैं भी तेरी आंटी उंटी लग दी बाजी मेरी फोटो नहीं खिंचनी चुड़ैल आएगी ना चुद्रैन की फोटो खिंच गई तू बस सोनी जी करके और तुम फिक्र ही नहीं करो चाची ऐसी तस्वीरें खींचूंगा सारे खुश हो जाएंगे एक आपकी हो जाए ओहो चल जा दफा हो तो तकिया किथे रख गई है पागल हो गई है चल अब बता भी दे लड़का कैसे अपने इश्क में फंसाया मैंने नहीं फंसाया उसने फंसा लिया मुझे चल फिर भी बता दे कैसे हुई मुलाकात मैंने तो सुना है मर्द है तुम पे नीचे उतर और मैं कहना नीचे उतर ये ले समीर भाग ओ किधर जा रही है और मैं कह रहा हूं कान पकड़ो और सुना नहीं कान पकड़ो तो क्या हुआ बाबा जय साहब जट्टों के बच्चे हैं बाग में चोरी कर रहे थे मैंने पकड़ लिया गांव के बच्चे हैं बाबा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे जा जाओ यहां से सुनो किसकी बेटी है रियाज जट तू वकास की बहन मैंने तो सुना है मरता है तुमको मरता होगा पता नहीं चल छुपा मत सारे जोक भावल में बात चल रही है कि जट्टों की लड़की ने रांझो का लड़का फंसा लिया है मैं तुझे ऐसी लगती हूँ वीरे का दोस्त है बस वीरे से उसने मेरा हाथ मांगा और वीरे ने मुझे कहा मैं वीरे को इनकार कैसे कर सकती हूँ वीरे के बचपन का दोस्त है ओ अम्मा हाँ हाँ इधर ही हूँ मैं आ जा की होया खैर तो है अब्बा हाँ? अब्बा किधर है बाहर सारे पूछ रहे अब्बा का पता ही नहीं अरे तेरा अब्बा अभी तक बाहर ही नहीं निकला नहीं और मैं कब के उसे कपड़े दे के आई हूँ यूं इस आदमी का मैं क्या करूँ अब भी हो गई वैसे ये तू कैसी बातें कर रहा है वो भी आज के दिन है बाहर सम्मी की मेहंदी हो रही है वो चौधरी नवाज की बेगम मेहंदी का सामान लेके आने वाली थोड़ी देर में और तू कह रहा है कि परवेज से मेहर बनाने की बातें करूँ ये हमारी भी इज्जत का सवाल है लोगों की बातें सुननी पहले सारे पिंड वाले ये कह रहे हैं रांझो ने फरमाइश डाली और जट्टों ने अपनी लड़की पकड़ा दी उनको अकमेर बड़ा होगा तो हमारी भी इज्जत होगी बेवकूफा ना तो अब शोर मचाने की क्या जरूरत है तुझे पहले कहना था ना अब उठ जाग मेहमानों के पास में और चुप कर जा तू ये मर्दाना मामला है जनानियों को दखल देने की जरूरत नहीं है मैं तो बोल सकना ना फिर है परवेज मेरा दोस्त है अब्बा मैंने दिया है सम्मी का रिश्ता उसे मैंने तेरा दोस्त है और तूने दोस्ती दोस्ती में बहन का हाथ पकड़ा दिया नलायक इंसान और कुछ आगे कहो
मेरा अब्बा कहता है 25 लाख रुपया हक मेहर होगा। 25 लाख रुपया? और वो कौन सा तुझे चेक लिख कर दे रहा है? मेरा निकाह नामे में इंदिराज ही करना है ना। 25 लाख लिख दे, लड़की ब्याह कर ले जाए, नहीं तो मेरी तरफ से फिर इनकार है। क्या देख रहा है? जा जाके दोस्ती अजमा अपनी, सच्ची है या झूठी है मेरी दोस्ती। दोस्ती है चंद्रानी जी, है ना? हर वड्डी कुड़ानी नू उन्हां दी सस ने दित्ता सी, ते फिर मेरी नानी पिनांदी हुंदी सी उन्हां नू। उहदे बाद उन्हां ने अगली चंद्रानी नू दित्ता, ते मेरी मां पवांदी सी ए हार उन्हां नू। ते फिर जदों ओ चले गए, ते मैं पवांदी सी उन्हां नू ए हार, ते हुण ही हार मैं तुहानू पवा रही हां चंद्रानी जी। बस कर दे अम्मा ज़रीना, 100 दफा ये कहानी मैं तेरे मुँह से सुन चुकी हूँ। ते सच्ची कहानी है ना, एको ही ते कहानी है फिर। अच्छा ये बता, वहां मेहंदी तैयार है कि नहीं? हाँ जी, सारी तैयारी कराती असी। तन ते पता है ना, असी 7 पुश्तां दे गुलाम आ तड़े। तन पता है फिर चौधरी जी ने ना ते। बस कर दे, जानती हूँ कि तूने चौरी साहब को दूध पिलाया है। तनु नी, मैं ते अपने आप नू दस रही सी, निका जिहा राशे तो दोवे एको जे सन, है जी, ते दूध पींदे हुंदे सन निके निके। किड्डे सोहणे लगदे सन छोटे छोटे पुत्तर जी। एला बीबी। अम्मा ज़रीना, कितनी दफा कहा है ना झुका कर हमारे कदमों में, माँ जैसी है तू, क्यों गुनाहगार करती है हमको? चौधरी जी, तेरी गुलाम 7 पुश्तों का गुलाम आसी। अच्छा चल बस कर, जाके देख तैयारियां पूरी हैं या नहीं है। लड़के की माँ भी इंतजार करी होगी, निकली भी नहीं होगी अभी तक। जी बीबी, वो गाना लिया आईया ने नहीं है। फजल के बार बार फोन आ रहे हैं, तू निकलेगी तो वो निकलेंगे ना। वैसे चौधरी साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, मेहंदी तो लड़के वालों की जिम्मेदारी होती है, तो ये आपने अपने सर क्यों ले लिया? अरे एक ही तो फोन का रिश्ता रह गया अबाजी की तरफ से, अगर मैंने उनकी खुशी का सम्मान कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जानती हूँ, पा फजल जमीन में हिस्सा ना मांग ले, इसी बात से डरते हो ना? कितनी बारी कहा है ये बात मुंह से निकालने की नहीं है। अम्मा ज़रीना, मेहंदी करे हाथ लाल, मेरे बनरे दे मेहंदी करे हाथ लाल। माँ तू क्यों सर खपा रही है? चाची ने इंतजाम किया है ना सारा मेहंदी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके माँ वारी, मेरा गबरू पुत्र कितना खूबसूरत लग रहा है, नजर ना लग रहा है मेरी? हर बार तेरी नजर लगती है अम्मा, वरना मैं किसी को इतना अच्छा नहीं लगता कि मुझे नजर लगा दे। मुझसे ज्यादा तो तू अपनी दुल्हन को अच्छा लगता है, कहीं वो नजर ना लगा दे मेरे पुत्र को। माँ वो तो नजर उठाकर देखती भी नहीं, मैं ही उसे नजर लगाता रहता। आजा आजा, परवेज से क्या पर्दा हमारा। किताब ही नहीं है। वकास पुत्र। हाँ आया अब्बा जी। मैं नहीं आया। नहीं नहीं आप छोड़ देना, क्या कर लो। हाँ चलो हट पेशर, ये मेरे सर पे रख। अरे अम्मा ये तो उठाएगी। तो और कौन उठाएगा, तेरी बहन तो कोई है नहीं। रब सोने ने मुझ गुनागार को एक तू ही पुत्र दिया है, मैं उठाऊंगी।
नाचती गाती हुई जट्टों के घर जाऊंगी मैं। तुम माँ पुत्र या खड़े बातें कर रहे हो, वहाँ चौधरी रब नवाज बार बार मुझे फोन कर रहा है, वो चल पड़े हमें लेने के लिए। चल अब हम तैयार है। और क्या अब्बा, बहन तो मेरी कोई है नहीं, और चौधरी रब नवाज की बेगम रही चौधरा। और अब्बा तेरी कमर में पड़ी है चुप बड़े दिन से, और मेरी अम्मा मेहंदी उठाए अपने सर पे, ये तेरी मेरी शान के खिलाफ है। बस बस ज्यादा बातें मत कर, दूल्हे नहीं उठाते अपनी मेहंदी, इल्ला मुझे दे। यहाँ से मैं उठा ले जाऊंगा, वहाँ जाकर तेरी बहू को दे दूंगा। बहू ना क्या, वो तो मेरी धी है, धी रानी, उसे मैं अपनी पलकों पे बिठाऊंगी, बेटी बना के रखूंगी उसे। जल्दी करो, फिर फोन आ गया उसका, वो मेरे ख्याल आ गए पहुँच गए लेने के लिए। चलो चलो। क्या ठाट है तेरे चकदानी दे, कितनी बड़ी मेहंदी लेके आई तेरे वास्ते, वाह जी वाह। मरियम नहीं आई अभी तक? पता नहीं। बस नीलो, अब ये दरवाजा बंद कर दे। बाजी मुझे भूख लगी, मुझे अंडा खाना है, मुझे अंडा बना कर दे आप। दाल चावल बना दिए मैंने, खा लो अब, मुझे मेहंदी में जाना, देर हो रही है। नहीं मुझे अंडा ही खाना है। छोड़ अम्मा, मुझे भी नहीं अंडा खाना है। तुम भी चलो जाओ। मुझे अंडा दे बना कर, मुझे अंडा ही खाना है। छोड़ो मेरे कपड़े। नहीं खड़ी हो जाओ, वैसे भी अंडा ही खाना है। छोड़ो, जाऊंगी ना सब मजाक उड़ाएंगे वहाँ पे मेरा। आ गई बच्चों की आया। क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? है मरियम, तू क्यों चीखे चली जा रही है? अम्मा मुझे मेहंदी में जाना है, सब आ गए होंगे। तो चली जाना, खाना दे के चली जा। अम्मी मैंने दाल चावल बना दिए, लेकिन अब इनको अंडा चाहिए। तो बना देना अंडा। कितना टाइम लगता है अंडा बनाने में? है अम्मा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। दाल चावल बना दिया बहन ने, चुपचाप करके खा ले हैं। सबकी मर्जी का अलग अलग खाना नहीं बनेगा, अंडा कल खा लेंगे। मरियम इसे तो सुला के चली जब, मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मैं ऐसे नहीं संभाल सकूंगी। अम्मा तो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? आ तो किससे कहूँ, क्या करूँ, गला घोंट दूँ इन सबका? मेरा क्या कसूर है इसमें? सारा दिन तो तुम्हारी बेटियों को संभालती रहती हूँ, और रात को भी इनके लिए जागती रहती हूँ। आज तो मेरी दोस्त की मेहंदी है। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तू जा मेहंदी में। हाँ जाओ। हाँ जा। माड़ा है ते माड़ा साडा यार जो है, पुजीविता होवे साडा प्यार जो है। दरवाजा खोल सम्मी। नहीं खोलूंगी। तू दरवाजा खोलना, बस देर हो गई, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कोई वक्त है आने का? सुबह आने के लिए कहा था ना। बस अब मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं वापस चले जाऊंगी। और पहली दादी मुझे इतना घूर घूर के देख रही है कि मैं पता नहीं क्यों आ गई। तुझे तो पता है ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब बातें मत बनाएगा, तू पूरी जिंदगी बच्चे ही पाले, पहले अपनी अम्मा की और फिर अपने। समीर ने तो मेहंदी पे नहीं बैठना था जब तक तू ना आ जाती। और एक ये है कि इसको मेरी कदर ही नहीं। अच्छा बाबा माफ कर दो, एक तो तूने इतनी जल्दी शादी रचा ली कि कपड़े बनाने का भी वक्त नहीं मिला। तो क्या हुआ, फिर भी तू इतनी प्यारी लग रही है, अब तो आ गई है ना, जल्दी से मेहंदी लगा। मेहंदी लगाएगी तो बच्चे कैसे संभालेंगे? लड़की की ओ बुला उसे, देर हो रही है, अभी लड़के की भी रस्में करनी है। जी जी बीबी। ओ नरगिस, ओ नरगिस, ओ छेतिया, हद हो गई, रानी इंतजार कर रही है, तो तमीज ही कोई नहीं। अम्मा जरीना, खुदा का खौफ करें, हम किसी के घर बैठे हुए हैं। देख अब्बा, तुझे दोबारा लेने आऊं, चल
भाई सारे तेरा पूछ रहे हैं, मैं झूठ बोल बोल के तंग आ गया हूँ, चल। ना बोल झूठ, जाके सच सच बता दे, कह दे कि मेरा अब्बा कहता है जब तक हक मेर 25 लाख नहीं होगा ये शादी नहीं हो सकती। अब्बा तू ज्यादती कर रहा है, ऐ 25 लाख रुपए कभी देखे भी है तूने? 25 लाख रुपए नहीं देखे, इसीलिए तो कह रहा हूँ दुनिया को भी पता लगे कि हमने भी 25 लाख देख लिए हैं, हम भी कोई जमीन पर पड़े हुए जट नहीं है। ठीक है फिर, भी सुन ले अब्बा, मैं कल्ला जाके सम्मी की शादी करता हूँ, तू बैठा रहे। सम्मी का मालिक तू है कि मैं हूँ? वो भी मालिक है, सक्का प्राय होगा। ओए उसका मालिक मैं हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं देखता हूँ मेरी इजाजत के बगैर कौन पढ़ाता है उसका निकाह। ठीक है मैं लिखवा लगा मेहर उसे, अब तो चल। या पहले हो कि या मुझे बता। ये वक्त है ऐसी बातें करने का? तेरा निकाह सुन, अभी निकाह तो नहीं हुआ ना है? निकाह तो पहले ही कह रहा हूँ, कैश पैसे तो नहीं मांग रहे, अब मैरी लिखना है, लिख दे 25 लाख। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो? शादी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि तू नहीं चाहता ये शादी। अगर तू मेहर से बचने के लिए बातें कर रहा है ना तो अभी यही समझ। तूने शादी तय क्यों की थी? साफ साफ कह देता तुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मैं किसी ना किसी तरह दे देता। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं सम्मी के मेहर की बात कर रहा हूँ तुझसे। जरूरत है तुझे पैसों की? जरूरत है, सम्मी तो सिर्फ एक बहाना है। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म तुझे आनी चाहिए, बहन का रिश्ता दिया मैंने तुझे, एहसान किया तुझ पे। तूने शादी 25 लाख रुपए के लिए तय की है ना? बकवास बंद कर। तू बकवास बंद कर, पहले तूने मुझे शादी के लिए उकसाया, शादी तय कर, और अब जब मैं फंस गया हूँ तू मुझसे पैसे बना रहे। बेगैरत इंसान। मुझे बेगैरत कह रहा है? मुझे भी गलत कह रहा है। एक तो तुझे बहन का रिश्ता की कीमत वसूल कर रहे हो? कीमत नहीं कर रहा है मुझे। हक महर की जाने की इज्जत होती है। बहुत हो गया, बहुत ही हो गई बर्दाश्त, निकल लेता हूँ। चाचा निकलो, अनु लेके निकल जाऊंगा, लेकिन सम्मी को साथ लेकर। ओए सम्मी को तो तू अब नहीं ले जा सकता। सम्मी को तो मैं लेकर ही जाऊंगा, चाहे बंदूक के जोर पर ले जाना पड़े। तू मुझे बंदूक की धमकी दे रहा है? ओए तू एक गोली खाने के लायक, और तू देखना सम्मी को तो मैं तेरी आंखों के सामने से ले जाऊंगा। तू खुद बचेगा तो लेके जाएगा ना उसको, और अब तूने सम्मी का नाम भी लिया ना तो यही गाड़ दूंगा मैं तुझे। क्या करेगा तू, क्या करेगा? लूंगा तेरी बहन का नाम। सम्मी का नाम मतलब सम्मी, सम्मी, सम्मी। Oh!
आकाश ने दूल्हे का कत्ल कर दिया। क्या हुआ? मार मार के हशर कर दिए। भागने की कोशिश कर रहा था, पूरे गांव में मैंने लोगों का नाक लगाया हुआ था, स्टेशन से पकड़ा है मैंने। देख, सारे गांव पे नजर रखनी है तूने, खास तौर पे विकास के माँ और प्यो पर, और मामला पुलिस तक ना जाए कत्ल का। ना जी ना, नहीं जाएगा सरकार। मैं कल खुद ही इसका फैसला करूंगा कि करना क्या है। बस भागने ना पाए ये हमारी कैद से। नहीं भाग सकता सरकार, आप कहोगे कि सांस ले तो सांस लेगा, आप कहोगे कि सांस ना ले तो नहीं लेगा सरकार। मुझे अपने पुत्र के खून का हिसाब चाहिए रब दुआस, इस पुलिस के हवाले कर दे। शादी का वादा बनाकर तो कैसे मेरे पुत्र को बुला के कत्ल कर दिया इन्होंने? वो कानून आप ही मेरा फैसला करेगा। ओए सुते कानून को जागने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है बाफजल। मुझे परवेश के खून का बदला भी चाहिए। आज परवेश को मार दिया उसने, कल कला को तुझे मुझे मार दे तो हम कानून के आगे भीख मांगते रहेंगे। वो तो कर दे कत्ल मुझे भी, क्या करना मैंने यार जी, इन चार सांसों में और क्या रखा है यार। ना मेरा वीर, तेरा मेरा खून का रिश्ता है पा फजल, ऐसे ही परवेश के खून को कानून के वाले कर दूं। कानून परसों लगा देता है सजा सुनाते सुनाते, जमाना हंसेगा हम पर। ऐसे गबरू जवान की खून पर चूड़ियां पहन लिया, सुबह को फैसला करना है, सबको खबर कर दे। हाजिर सरकार। ठीक, मैं आप ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। इतना जुल्म हुआ है मेरे साथ, कानून क्यों नहीं मदद करेगा मेरी? तू ऐसा नहीं कर सकता पा फजल, लोग तेरा नहीं मेरा मजाक उड़ाएंगे। चौधरी राम नवाज अपने भतीजे के खून का फैसला खड़े खड़े नहीं कर सका, फैसला करना तेरा काम नहीं है, मेरा काम है। देख के मैं अब करता क्या हूं। मेरी बदनसीब थी, उस कानून तो पहले बेवा हो गई। मेरा पुत्र ऐसा अंदर नहीं, मेरा पुत्र ऐसा अंदर नहीं चौधरी नवाज, वो तो परवेश का दोस्त सी, उन्हें बड़ी खुशी नाल अपनी भैन का रिश्ता उन्हें दिता सी। वो तो परवेश ने झगड़े दे विच ना मेरी धी नूं गालां कढ़ी, मेरा पुत्र गुस्से च आ गया, उहदा कतल दा इरादा नहीं सी, उहने कतल नहीं करना सी, इंसाफ कर दे चौधरी नवाज। बस हमने तुम लोगों को इज्जत दी, तुम्हारी धी का हाथ मैं लड़के के लिए मांगा, वरना तुम लोगों की ये औकात नहीं थी। ये बात तुम भी जानते हो और सारा गांव जानता है। छोड़ो मुझे बाहर जाने दो, छोड़ो छोड़ो मुझे, वो मेरे बीने को ले गए, छोड़ो।
छोड़ो मेरे वीरे ने किसी का कत्ल नहीं किया मुझे नहीं परवेज का खून सिर्फ इस कीमत पे माफ होगा कि तुम लोग बाप फजल को मकतूल के नाम की वन्ने दोगे ठीक है सन मंजूर सन मंजूर बस साढ़े पुत्र की जान बख्शी कर दे मैं वनी का क्या करूंगा रब निवास मुझे अपने पुत्र के खून का हिसाब चाहिए पुत्र के खूनों की कीमत वनी नहीं होती अब मुझे क्रोध से फैसला चाहिए बस फैसला हो गया है पा फजल क्यों भाइयों मंजूर है हमें भी मंजूर है हमें मंजूर है सरकार हमें मंजूर है हम वनी हाजिर कर देंगे हमारा पुत्र हमारे हवाले कर दीजिए तुम लोग अभी इसी वक्त वनी हाजिर करोगे तो कातिल को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा अगर आज वनी हाजिर ना की गई मामला पा फजल की ख्वाहिश के मुताबिक कानून के हवाले कर दिया जाएगा तुम अपनी बेटी का हाथ पा फजल के हाथ में दोगे तो ये माफीनामा तुम्हें लिख देगा हम अभी अभी वनी हाजिर कर देंगे अभी मुझे वनी नहीं चाहिए रामनिवास मुझे नहीं चाहिए वनी मैं क्या करूंगा वनी का कोई कबूतर था मेरा मार दिया था ने रामनिवास बदले में वनी लेके मेरे पुत्र के खून पे मट्टी ना डाल मैंने क्या कर रहा है वनी का तूने वनी से निकाह करना है पा फजल अपने वीर की जिंदगी बचा ले सब ने तू तो नसीबा वाली भैन है जी जिंदगी भरा नु बचाने दे काम आएगी मां दे कलेजे च ठंड पा दे सब ने प्यो दा सिर उच्चा कर ले सबिये तिया ते होंगे ही मां प्यो दा मान रखन वास्ते ने भरा दी जवानी वाल वेख एडा गबरू जवान जेल च सड़ जाएगा फांसी चढ़ जाएगा इस तो चंगा नहीं कि तू ओदी जिंदगी तो कुर्बान हो जाए समझे कुछ ते बोल समझे मां दा कलेजा फट जाएगा समझे अच्छा नहीं तो चल फिर बेटी चुक ते मेरे सिर च मार दे मेरे सिर च मार दे हाय मेरा गमरू जवान हाय मेरे मकास हाय मैं मां कुर्बान हो जाए तेरे जवानी तो वन्नी तो तू हो चुकी है और ये मैं फैसला कर चुका हूं तेरे अब्बे ने फैसला किया है तेरे मालिक ने अब तुझे चौधरी नवाज के सामने पेश करना है उनकी मर्जी है तुझे वनी करें या काट के फेंक दें चल उठ उठ पकड़िए मैं चोरी फैला के
तेरे को अपने पुत्र की जिंदगी की भीख मांगनी आ, मेरी चोरी च भीख पा दे, मेरे पुत्र पा दे। ओ बस कर, मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं है वक्त। अब इसको मैंने साथ लेकर जाना है, और जितनी देर यहाँ बैठ के तू सोचती रहेगी, मेरा पुत्र जेल पहुंच जाएगा। उठ उठ, अब्बा मेरी साथ ऐसा ना करो, अब्बा मुझे मर नहीं जाओगे। और तू हमारी नहीं, उनकी मलकियत है। मेरे पास रख ले, अब्बा मुझे नहीं जाने देंगे। अम्मा, अम्मा मेरी, अम्मा तू बोल ना अम्मा को, अम्मा मैं तेरी समझी हूँ, तेरी बेटी, अम्मा तू बोल अब्बा को, अम्मा तू मुझे ना भेज देते, बनी ना मेरी। सरकार, मैं बनी ले आया। आप लोगों का वनी का यह फैसला मंजूर है? वनी का हाथ मकतूल के बाप के हाथ में दे, तब ये पाप फजल की मलकियत है। फजल, तेरे पुत्र के खून के बदले हमने अपनी बेटी वनी कर दी है, अब ये तेरी मलकियत है, इसे सामने और हमारे बेटे का खून माफ कर दे। बंदी का हाथ पकड़ पा फजल, और इनके बेटे का खून माफ कर, फैसले का एहतराम कर। ये सबका फैसला है पा फजल, तो बरादरी के फैसले का पाबंद है। वरना तू बरादरी में नहीं रहेगा। स्वयं के बाद दोनों का निकाह हो जाएगा, अब तू अपने बेटे का खून माफ कर। मेरे बाप की माफ की हो। भाइयों, आपको ये माफी मंजूर है? राशिद, वकास ला गया। पाप फजल का शुक्रिया अदा कर, जिसने वनी कबूल की है और अपने बेटे का खून माफ किया है। और पुत्र चौधरी साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। ओए उठ, उठ अपने हाथ से वनी कर अपनी बहन को। उठ बच्चे, उठ 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 साहब, उठ उठ उठ। क्या तुम बोल रहे? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई चाचा, मुझसे गलती हो गई, मेरा मकसद ये नहीं था।
तेरी माँ की कसम मेरा मकसद ये नहीं, मैं जान के नहीं मारा उसे, तुझसे गलती हो गई चाचा, मगर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे चाचा, मगर माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझे वनी ना कर वीरे, तू मुझे बचा ले वीरे, वीरे तू मुझे बचा ले वीरे, मैं तेरी सम्मी हूँ वीरे, वीरे ना वीरे, वीरे मुझे वनी ना कर वीरे, वीरे मुझे बचा ले वीरे, तुझे तुझे मेरे हाथ की चाय पसंद है, मैं तेरे लिए चाय बनाऊंगी, वीरे मुझे वनी ना, मुझे बचा ले वीरे, वीरे हमारे लिए मर गई। जैसे तेरे लिए तेरा पुत्र, क्या हुआ इतना पीछे क्यों चल रही है, साथ चल। तू कभी मुझे कहता है कि पीछे चला कर, आज कह रहा आगे आगे चल, तू पहले तय कर ले। देख मैं परवेश को तेरा रिश्ता दे रहा हूं, अच्छा लड़का है, बरसों से जानता हूं, उसे तुझे खुश रखेगा, बिल्कुल तेरे लायक है। तूने अपने दोस्त को पसंद कर लिया था मेरे लिए, तो फिर मुझसे ना पूछ, तू वीर है मेरा, तुझे मना कर सकती हूँ। मेरी गुड़िया, मुझे पता था तू ऐसी मेरा मान रखेगी, वो तो परवेश की जिद थी कि अपनी बहन से पहले पूछ, तो देखना कैसे ठाठ से आया करूंगा मैं तेरे ससुराल, मेरे दोस्त का भी तो कार होगा ना, तो तेरे हाथ की चाय पिया करूंगा जैसे यहाँ पीता हूँ। तू मुझसे एक वादा कर। क्या? तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। छल्ली हो गई है, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, का वादा? माफ कर दे चाचा, अपनी बनी का हाथ पकड़ और लेकर जा इसे बाप फजल। बहन के बाद निकाह होगा। मैं तेरी बहन हूँ, तेरी सम्मी, मेरे तूने मुझे कहा था तू मुझे नहीं छोड़ेगा, क्यों छोड़ा मुझे, मेरे मेरे बचा ले, मेरे तू बचा सकता है, तू बचा ले, मेरे बचा ले। अगर तुझे नहीं ले जाई जा रही तो मैं राशिद को बोलता हूँ, वो ले जाएगा तेरे दरवाजे पर। नहीं मेरे, तू मुझे बचाएगा ना, मेरे मुझे मनी ना कर, मेरे मेरे मैं तेरी सम्मी हूँ, मेरे जा जा। जग खेडता फिरे मेरे नाम।